केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म करते हुए राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति मुझे लगता है आई है। आज से 5 वर्ष पूर्व यहां जिस प्रकार से पत्थरबाजी थी, रोजमर्रा के बंद हुआ करते थे, हुर्रियत जमात जैसे जो संगठन थे पाकिस्तान के झंडे चढ़ाते थे, कोई कैलेंडर जारी करता था, कोई मस्जिदों से ऐलान करता था, देश विरोधी नारे लगते थे, आज वो चीजें कम से कम ठीक हुई है। इस चीज को समझना होगा। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, जम्मू कश्मीर में यहां पर अब देखिए मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, रिंग रोड्स, एक्सप्रेस हाईवेज, रेलवे का यहां पहुंचना और टूरिज्म का बढ़ना, ये जिस प्रकार से हो रहा है, इंडस्ट्री का जो पैकेज दिया जाना, उसके बाद लोगों की यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी, एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार सड़कों के मामले में क्रांति आई है और इसके साथ ही लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मिलिटेंसी के कारण से लोग यहां पर ना तो कोई आना चाहता था, ना यहां कोई जमीन खरीदना चाहता था। एक जो लोगों में एक बेरोजगारी की सोच थी वो आज खत्म हुई है। कारपोरेटर सेक्टर आने से, इंडस्ट्री आने से नौजवानों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे, टूरिज्म में बड़े अवसर पैदा होंगे। और जो इस बार का बजट है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर किस प्रकार से आगे बढ़ेगा।